हरे कृष्णा वेलकम यू ऑल इन भगवत गीता क्लास नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी की नाम में नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारण प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्त वृंदम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ग्रंथ राज भगवत गीता की जय श्री प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी आप म्यूट पर हैं। हरे कृष्ण हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोका नंबर 12। तो अध्याय का नाम है पांचवे अध्याय का कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। हम लोग ने 11 तक किया था कि किस तरह से जो योगी जन है आसक्ति रहित होकर शरीर मन और बुद्धि द्वारा इंद्रियों के द्वारा केवल शुद्धि के लिए काम करते हैं। उनको जरूरत नहीं काम करने की लेकिन प्योरिफिकेशन के लिए काम करते हैं क्योंकि यज्ञ दान और तपस्या किसी भी स्टेज में छोड़ा नहीं जा सकता। तो भगवान देखिए आगे क्या कहते हैं अर्जुन को कि युक्त कर्म फलम त्वक्ता शांति नानोक्ति नैश्चिकम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निर्बध्यते कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वो बंध जाता है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा देहात बुद्धि वाले व्यक्ति में अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है और दूसरा कर्म को प्रति आसक्त रहता है। स्पष्ट श्री प्रभुपाद ने देखे अपने परपोर्ट में लिख दिया। मैंने बताया था कि प्रभुपाद जो है ने हमें परपोर्ट यानी तात्पर्य दिए है ना और बाकी आचार्य ने हमें कमेंट्रीज दिए। कमेंट्रीज में क्या होता है कि जैसे ये शब्द है युक्त कर्म फल त्वक्ता शांति नोक्ति नैस्टिकम इन सबका अर्थ देंगे है ना और फिर उसको संस्कृत में जो दशा है उसको इलैबोरेट करते हैं कि इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जो हैं वो जब एक्सप्लेन करते हैं तो न केवल संस्कृत में जो चीजें चल रही है सीक्वेंस है उसको एक्सप्लेन करते हैं बल्कि इस श्लोक का हमारे जीवन में क्या रेलिवेंट है क्या इंपॉर्टेंस है व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस थिंग इन अवर डे टू डे लाइफ ये श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। This is the beauty of purport. मतलब modern life से हम देख सकते हैं कि इसका क्या मतलब mix है। देखिए यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई शुद्ध भक्ति करता है जैसे पिछला बताया गया ना कि केवल भगवान को ऑफर करता है सारी चीजें ऑफर करके शुद्धि के लिए केवल कर्म करता है तो ऐसा शुद्ध भक्त जो होता है वो क्या करेगा तुरंत शांति प्राप्त कर लेगा। क्योंकि शांति अगर जीवन में नहीं है इसका मतलब क्या है क्योंकि वो पड़ोसी के घर में काम करती है कई मेड है मेरे घर में उनका नाम भी शांति है तो वो शांति की बात नहीं हो रही है माइंड पीस ऑफ माइंड की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है हम सबको रहता है कि हम अपने जीवन में प्रसन्न रहें शांत रहें हैप्पी रहें तो उसकी तलाश हमें रहती है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है तो अपने आप ही शांति होती है क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ होती है जब तक हम अपने आप को भोक्ता मानते रहते हैं हम अपने आप को वेल विशर मानते रहते हैं सबके वेल विशर हम हैं उन सर्वलोक महेश्वर हम ही हैं और इंजॉयर भी हम ही आई एम द इंजॉयर ऑफ एवरीवन तो हम इंजॉयर हैं नहीं हम तो दास हैं तो फिर हम कुछ कर पाते हैं नहीं क्योंकि राजा वाली क्वालिटी तो कोई है नहीं कंट्रोल करने की कुछ भी करने की हम माया को हम सोचते हैं माया हमारे अधीन है बल्कि पता होता है माया के अधीन है
तो हम भी बहुत महान ऐश्वर्य हमारे पास रहते हैं, है ना। जैसे भगवान के षट ऐश्वर्य हैं, वैसे जीवों के भी षट ऐश्वर्य हैं। कोई बता सकता है कौन कौन से? हम कम महान नहीं है, हमारे पास भी 6 ऐश्वर्य हैं। वो तो भगवान का है बल, बुद्धि और ये सब। मनुष्यों का, हमारा भी तो ऐश्वर्य होगा ना। हम कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं। भगवान को छोड़कर हमने माया को सिलेक्ट किया, मतलब हमारे जैसा तो मूर्ख व्यक्ति दुनिया में नहीं होगा। तो हमारे भी तो कुछ ऑपुलेंस होने चाहिए, है ना। काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य, ये हमारे ऑपुलेंस है, है ना। तो हमारे भी ऐश्वर्य है ये सब, हमारे भी ये सब ऐश्वर्य है। क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो इस तरह से हम देखते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि जब कोई निश्चल शुद्ध भक्ति करता है ना, यानी सारे कर्म भगवान को ऑफर करता है, कृष्ण को सेंटर में रखता है, मन बुद्धि से भगवान की भक्ति करता है, तो 12वें श्लोक में, 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वो समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है वो श्रम का फल कामी होता है। वो सभी एक्शन के रिजल्ट को खुद ही भोगता है। मैंने बोला वो खुद को एंजॉयर मानता है, तो उससे प्रॉब्लम क्या जाती है? कुछ कर तो पाता नहीं है और वो क्या करता है? और बंधनों में वो फंस जाता है। जीव की इतनी कैपेसिटी नहीं कि माया से निकल जाए। भगवान मायापति है, तो भगवान जो है वो कैरी ओवर कर सकते हैं माया को। माया में आएंगे तब भी माया के अधीन नहीं रह सकते। तो जीव उनका वो करता है, अनुकरण करता है। तो उसका जैसे भगवान है वैसे हम भी है, हम भी तो भगवान है, हम भी तो एंजॉयर है ना। तो फिर क्या होता है? हम भी अपने कर्म फल जो है एंजॉय करेंगे। तो जब एंजॉय करने जाता है तो एंजॉयड होता है माया के द्वारा। तो भगवान ये कह रहे हैं जब कोई मेरी भक्ति करता है तो फ्री हो जाता है, और जब कोई माया की भक्ति करता है तो वो बंध जाता है। सिंपल सी थ्योरी है। कौन पढ़ेगा इसको? मीनाक्षी पढ़िए परपो लाउडली। हरे कृष्ण। तात्पर्य, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान है, कृष्ण भावना व्रत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कुछ सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावना व्रत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर है, वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावना व्रत में जीव शांति रहता है, किंतु जो इंद्र तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है, उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावना व्रत का रहस्य है। यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय कपट है। यहाँ पे श्री प्रभुपाद ने बिल्कुल क्लियर बता दिया कि अगर कोई शुद्ध भक्ति करता है और तो क्या करता है? अपने सारे फल किसको ऑफर करेगा? भगवान को ऑफर करेगा। तो अकर्म की स्थिति में रहेगा, मतलब कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसने हर चीज भगवान को ऑफर कर दी। लेकिन जब भगवान को ऑफर नहीं करता तो अच्छा या बुरा दो अलग अलग रिजल्ट आएगा। तो उस रिजल्ट के कारण जीव जो है मटेरियल वर्ल्ड में बार बार आता जाता रहे। तो ये लॉ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। लेकिन क्या है कि लोग जो है इस तरह का नॉलेज नहीं लेते, भगवद गीता आदि ग्रंथों को पढ़ते नहीं है, तो क्या करते हैं? इसलिए उनको कुछ पता नहीं चलता कि क्या होता है। यहाँ पे बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जो है कि श्री प्रभुपाद ने इसी वर्ष में न्यूयॉर्क में 1966 में भी लेक्चर दिया था। और श्री प्रभुपाद बताते हैं कि दोज हु आर कृष्णा कॉन्शियसनेस डू नॉट एक्सेप्ट एनी रिजल्ट फ्रॉम देयर वर्क। ओ आई एम डूइंग दिस वर्क सो दैट आई विल एंजॉय द रिजल्ट। मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसका रिजल्ट मैं एंजॉय करूँगा, ऐसा होता नहीं है ना। व्यक्ति एंड दैट इज द सोर्स ऑफ पीस। तो जो व्यक्ति के अंदर ये थॉट रहता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, तो जो भी वर्क हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? भगवान। हमने भगवद गीता में पढ़ा भी है कि 5 कारण इन्वॉल्व होते हैं तब कोई एक्शन होता है। किसी को याद है?
18 पॉइंट, 5 कारण, नहीं, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। 18 चैप्टर में बताया गया है, भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि 5 चीजें इन्वॉल्व होती हैं तब कोई एक्शन होता है ना। क्या क्या चीज होती हैं? पहले कर्ता होना चाहिए, है ना, स्थान होना चाहिए, पहले स्थान होना चाहिए ना, उसके बाद करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है ना, कर्ता होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए ना। उसके बाद कर्म कैसे होगा, इंद्रियों के द्वारा होगा, तो इंद्रियां होनी चाहिए। उसके बाद परमेश्वर, परमेश्वर, तो इनमें जो बाकी ऊपर के जो 4 कारण है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परमेश्वर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्थान, प्रयास और परमेश्वर। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 5 तरह की जो चीजें हैं ये जब इन्वॉल्व होती है कोई एक्शन होता है, ठीक है ना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्शन है वो क्या होता है, परमेश्वर। कि अगर स्थान नहीं हो तब भी कर्म हो जाता है, अगर परमेश्वर चाहते हैं तो, है ना। मान लीजिए हमें कहीं धाम जाके कोई प्योरिफिकेशन होना है, लेकिन भगवान का अपने घर में मंदिर है, चैंटिंग करके लोग पवित्र हो गए, कोई धाम नहीं था, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है, है ना। उसी तरह से कर्ता, कर्ता सक्षम नहीं है, कर्ता और इंद्रियां, 2 चीज होती है ना एक्शन करने में, इंद्रियां होंगी तभी, और इंद्रियों के लिए प्रयास, ये 3 चीजें होंगी तभी एक्शन होंगे। तो मान लीजिए कर्ता है, उसकी इंद्रियां ठीक नहीं है और प्रयास नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि उसको मिले तो उसको मिलेगा, जैसे उसके भाग्य में धन है, है ना। तो व्यक्ति ने अभी बिजनेस खोला ही कि अपने आप ही उसको कुछ ऐसा संयोग होगा कि धन मिलने लगेगा, क्योंकि उसको धन मिलने का संयोग था, उसे ज्यादा प्रयास नहीं किया। लेकिन एक व्यक्ति दिन रात प्रयास कर रहा है, एक रिक्शा वाला दिन रात प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके भाग्य में धन नहीं है तो इतना धन नहीं मिलता उसको, सीधी सी बात है ना। एक व्यक्ति गया 1 मिनट में 1 डील किया और करोड़ों रुपए कमा लेता है, और एक रिक्शा वाला दिन भर मेहनत करता है और 50, 60, 100, 200 रुपए कमाता है, फर्क है ना। तो लोग सोचते हैं मेहनत का फर्क है, तो मेहनत तो रिक्शा वाला ज्यादा कर रहा था। तो परमेश्वर जो होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, कोई भी एक्शन करने के लिए परमेश्वर की मर्जी होती है, हमारे कर्म के साथ अगर वो सैंक्शन कर देते हैं तो। अगर ये ऊपर की 4 चीजें न भी हो, कर्ता ना हो, इंद्रियां ना हो, प्रयास ना हो, तब भी एक्शन हो, लेकिन सारी चीजें हो, स्थान हो, कर्ता हो, इंद्रियां हो, प्रयास हो, लेकिन परमेश्वर की मर्जी ना हो, आप माथा फट जाएगा, आपका सर फोड़ देंगे आप, लेकिन आपका कार्य नहीं हो। अगर नहीं लिखा है तो नहीं हो। लोग अभी कई लोग होते हैं जो जैसे हम लोग के पास आते हैं, उनको बच्चा नहीं होगा, अब उनके भाग्य में नहीं है तो वो सर फोड़ लें, कोई भी साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर लें, वो नहीं ही होता। मेरे एक 2 रिलेटिव में हैं, उन्होंने प्रयास किया, डॉक्टर से प्रयास किया, है ना, यूट्यूब बेबी वगैरह का जो है वो भी प्रयास किया, आप यकीन मानिए फौरन जाकर भी कुछ नहीं, आई लोगों से सारा करा, क्योंकि उनके उसमें नहीं है, बच्चा गोद लिया वो भी मर गया। अब आप बताइए, जब कर्मों में नहीं है तो हम नहीं कर सकते, आप चाहे जबरदस्ती भी करो, तो परमेश्वर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोई काम करने में 5 लोग सहायक, उसमें परमेश्वर मुख्य है, और कोई काम करने का क्रेडिट आप अकेले ले लीजिए तो कैसे चलेगा, है ना। ये 5 लोग इन्वॉल्व हो रहे तब काम हो रहा है, ठीक है ना, और आप क्रेडिट ले लीजिए कि मैंने किया मैंने किया ये काम, इसीलिए पाप लगता है। जब हम खुद क्रेडिट लेते हैं तो हमको एक्शन करने में पाप लगता है, क्योंकि बाकी 4 के हमने निकाल दिए हैं, फिर जब हमारे साथ कोई छल करता है तो हमको बड़ा बुरा लगता है, हम तो इतने अच्छे थे, है ना, और हमारे लोग, हमको जो मिले लोग वो कैसे मिले, सब हमें चूना लगाने वाले मिले,
तो हमको ये दिखाई देते थे कैसे हम भी चूना लगा रहे हैं तो हमें वही रिजल्ट मिल रहा है। जब हम भक्ति करते तो ये सब बातें हमें बता, भगवत गीता पढ़ाई जाती है आपको, बुला के सीता चक्रानी माता जी क्लास देती हैं और फिर क्लास में बताती है ये सब बातें कि एक एक्शन करने के पीछे 5 कारण होते हैं कम से कम इन्वॉल्व होते हैं। उसमें जब आप अकेले क्रेडिट लेंगे तो क्या लगेगा, पाप लगेगा ना, तो यहाँ पे ये सब चीजें तो पता नहीं होती है। इसीलिए जो भक्त होता है वो बहुत चतुर होता है, भक्त जानता है कि सबसे ज्यादा क्रेडिट किसका है, इसलिए वो हमेशा क्रेडिट भगवान को देता रहता है, कोई अपने ऊपर टेंशन ही नहीं रखता। छोटा सा आपके घर में बच्चा होगा है ना, अब मीनाक्षी का छोटा बच्चा है होगा अगर, तो वो छोटा बच्चा कहे कि मतलब मम्मी सैलरी मुझे दे दो लाके, अब 5 साल के बच्चों को आप सैलरी दे देंगे तो क्या करेगा नरसिंह स्तुति, वो तो सारी टॉफी चॉकलेट और ऐसे कई नोट तो फाड़ देगा, कई नोट कोई से छीन के ले जाएगा है ना, ऐसे ही यही सब चीजें होगा, उसको कुछ करने तो आएगा नहीं। तो हम लोग की स्थिति वैसी है, हमें मालिक बनने आता नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती नहीं है, तो हमें दे दी जाए अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईश्वर बनने की तो हम कुछ कर नहीं पाते, हम गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और कोई हमसे छीन के ले जाता है, कोई कुछ कर लेता है, हम असहाय भी रहते हैं है ना। लेकिन भगवान जो है सर्वशक्तिमान, उनको पता है कि सब कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, कैसे करना है, 1 का 4 गुना कहाँ होगा, भगवान को पता होता है, भगवान कर सकते हैं और नहीं है तो क्रिएट कर सकते हैं। भगवान जो ब्रजवासियों के लिए स्पेशल जाके उनकी रक्षा करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान कर सकते हैं और भगवान जो है, भगवान के पास करने पर क्या होता है, कर्म बंधन नहीं होता, इसलिए यहाँ की फैक्ट्री बंद हो जाती है, रोकते धाम चले जाते। शिल प्रपद वही बता रहे हैं कि जो भक्त तो होते हैं उनको ये सब फिलोसफी बिल्कुल क्लियर होती है कि वो इंजॉयर नहीं है और भगवान इंजॉयर है, इसलिए उनके पास शांति रहती है। बच्चा क्या कर लेगा, हमने अपना काम कर दिया, अर्जुन कहता था भैया मैंने युद्ध कर दिया, तो कह तुम सो रहे हो, भीष्म पितामह ने तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा की है कि कल तुमको मार देंगे, तो कल का कल देखेंगे, मार देंगे तो क्या कर लेंगे, अभी तो काम कर चुके, अब हम सो रहे हैं, अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है। तो कृष्ण को चिंता लगी रहती है और अर्जुन आराम से युद्ध करके सो रहा होता है ना। भाई बच्चा टेंशन लेके भी क्या कर लेगा, कुछ कर तो पाएगा नहीं, तो इसलिए बच्चा जो है भगवान की आज्ञा का चुपचाप पालन करता है, भगवान सारा अरेंज करते रहते हैं और वो मक्खन मलाई खा के मस्त रहता है। तो एक्चुअली भगवान की भक्ति करने पर व्यक्ति बंधन से मुक्त रहता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देते हैं ट्रैफिक रूल्स का पालन करना, श्री प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि अगर जो ट्रैफिक रूल्स है उनको आप फॉलो करेंगे तो वो आपका टाइम बचाएगा, एक्सीडेंट बचाएगा, आपको बेनिफिट देगा ना। तो रूल फॉलो करने से हम क्या करते हैं, अच्छाई की तरफ रहते हैं। लेकिन अगर हम ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होंगे, टाइम नहीं लगेगा, व्यर्थ में हम फसावड़े में परेशान में भी रहेंगे। तो रूल्स फॉलो करके हम फ्री हो गए है ना। तो ये बात लोग नहीं कहते, नहीं भगवान की भक्ति करने पर ना बड़ा बंधन होगा, वो चंदन लगाना पड़ेगा, टीका लगाना पड़ेगा है ना, माला जप करना पड़ेगा। तो बाकी अभी माया क्या करा रही है आपसे, एकदम फ्री छोड़ा हुआ है आपको है ना, रोज डॉक्टर के बिल इतने बड़े बड़े आ रहे हैं आज ये बीमारी कल वो बीमारी कल वो बीमारी, क्यों नर्सिंग स्थिति गलत बोल रही हूँ। यस माता जी बिल्कुल ठीक है ना, कितने लंबे लंबे पर्चे आते हैं, फिर उसके बाद इसका बकाया उसका बकाया है ना, यही सब आता रहता है। तो कहीं केस चल रहा है, कहीं वो चल रहा है, तो धन यहाँ नहीं तो वहां खर्च होगा। तो एक्चुअल में माया में हम अधीन रहते हैं और हम भगवान के पास फ्री रहते हैं, लेकिन जीव इल्यूजन के कारण उल्टा सोचता है माया के पास तो बड़ा बंधन है, और जब हम भगवान के पास जाएंगे तो बड़ा बंधन है, माया के पास हम बहुत फ्री रहते हैं। तो शिल प्रभुपाद ये कहते हैं कि ये भक्तों को नॉलेज होता है, इसलिए भक्त जो है क्रेडिट खुद नहीं लेता, वो जानता है भगवान को क्रेडिट देके और अपने आप को इंजॉय करता है। शिल प्रभुपाद कहते हैं सर्व का कर्मानी मनसा संन्यास सुनते वासी, मतलब प्रभुपाद कह रहे कि वॉट एवर ही डज ही हैज डिसाइडेड टू डू मनसा बाय माइंड, डिटर्मिनेशन कम इनटू माइंड, देयरफॉर हिज डिटर्मिनेशन इज मनसा, he had decided to work only for Krishna consciousness and therefore his happiness is under his control, he doesn't have to seek happiness externally। भक्त को पता होता है happiness जो होती है बाहर नहीं मिलती है,
हम सोचते हैं कि हैप्पीनेस बाहर है। आईएएस बन जाएंगे, पीसीएस बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, विदेश चले जाएंगे तो हम हैप्पी हो जाएंगे, हम ये साड़ी खरीद लेंगे, हम ये ब्रांड खरीद लेंगे, हम ये घर खरीद लेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम हैप्पी हो जाएंगे। एक्सटर्नली हम सोचते हैं कि चीजें होंगी तो हैप्पीनेस होगा, और भक्त जानता है एक्सटर्नली हैप्पीनेस नहीं होती है, एक्सटर्नली सुविधा मिलती है, सुविधा दी जाती है, एक्सटर्नली हैप्पीनेस नहीं दी जाती है। एक्सटर्नली जो है, हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?